नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। सदन के बाहर विपक्ष ने लगातार मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आई। देखिए आज के बजट सत्र के तीसरे दिन का पूरा चर्चा परिचर्चा कैसा रहा इस रिपोर्ट में। लंबा चौड़ा है, इतना मोटा किताब लिखे होंगे, ये हम बनाए हुए हैं, हाईलाइट इसको बोलते हैं, फीचर मैंने सैलियंट फीचर जिसको बोलते हैं, हाईलाइट बोलते हैं, यही है। अगर आपके पास फोटो कॉपियर कुछ है अगल बगल में तो लेके पूरा पढ़ लीजिए, इसको तो ओपन हो गया। अच्छा ठीक है जी, बता दें। हाँ हाँ, देखिए अर्थव्यवस्था वर्ष 2020-21 कोविड-19 महामारी की पहली लहर और लॉकडाउन के बाद एक सुधार दिखा। कोविड-19 की पहली लहर और लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था और उससे उसके राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया, सभी जानते हैं। झारखंड का GSDP वर्ष 2021 में 4.7% से कम हुआ, 2021 में 4.7% से कम हुआ, जबकि भारत की GDP इस वर्ष 7.3% से कम हुआ। हमारा कम हुआ, वहाँ ज़्यादा कम हुआ, ये एक फीचर रहा। 22-23 में झारखंड के GSDP में स्थिर मूल्य पर कांस्टेंट प्राइस दे दिए हैं, कहाँ दिए हैं आपको, हाँ कांस्टेंट प्राइस में 6.15% और वर्तमान मूल्य पर 10.72% बढ़ने का अनुमान है। दो तरह से नापा जाता है, कांस्टेंट प्राइस पर पहले से माना बेस ईयर माना जाता है और फिर करंट ईयर माना जाता है। तो बेस ईयर को कांस्टेंट में देखेंगे तो 6.15 रहेगा और कांस्टेंट करंट प्राइस में उसको जोड़ेंगे गिनेंगे तो 10.72% बढ़ने का अनुमान है। ये बेसिक चीज़ है, यही तो चाहिए आप लोगों को, क्या चाहिए और क्या कीजिएगा जानकर। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये सरकार जब से आई है, मेला प्राधिकार गठन होने के बाद आज तक एक बार इस सरकार ने बैठक नहीं की है। और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं, पहले मंदिर प्रबंधन काम करता था, देखता था, और वहाँ के जिला प्रशासन के हाथ में ही सारी बातें होती थी। लेकिन जब से श्राइन बोर्ड का गठन हुआ है एक बार भी बैठक नहीं होना निश्चित रूप से सरकार के मानसिकता को उजागर करता है। हम आज भी CM साहब से मिले और उनसे मैंने बात किया कि 26 महीना बीत जाने के बाद भी श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, आखिर मंदिर का फीडबैक आप किनसे लेंगे? हम लोग भी वहाँ के सदस्य हैं, सांसद विधायक वहाँ का सदस्य होता है, लेकिन जब मंदिर कैसे चलेगा, उसको कैसे संचालित किया जाएगा, तो इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी को है। रही बात एक लंबे कालखंड के बाद मंदिर का खुलना, महाशिवरात्रि पर्व का होना, और देवघर में इस बार शिव बारात भी नहीं निकला। आप लोगों को भी पता है कि मेरा ऐसा मानना है कि उत्तरोत्तर भारत में सबसे बड़ा शिव बारात अगर कहीं निकलता है तो बाबा वैद्यनाथ की धरती से ही निकलता है। सब जगह शिव बारात निकाली गई लेकिन देवघर में नहीं निकला। हम बार बार कहते हैं, नहीं हम तो कह ही रहे हैं कि वहाँ के जिला प्रशासन ने अम्बा प्रसाद जी के साथ क्या हुआ है उसको एक आदेश पारित किया है और वहाँ के DDC साहब को जांच का निर्देश दिया है। तो इस चीज़ को बनाए रखना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे आस्था को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे लोग अगर वहाँ पे ज़रा सा भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है तो आम आदमी को तो जानवर की तरह, वो लोग भक्त को जानवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हर किसी को मार रहे हैं, बोलते हैं नहीं जो छड़ी से मारते उसे चोट नहीं लगता है। हम खुद वो छड़ी लिए, हम अपने हाथ पे भी देखे मार के उससे तो चोट लगता है, और जिस तरह से इतना बल से वो मार रहे हैं तो मुझे तो कहीं से भी कोई संदेह नहीं है कि चोट नहीं लगता होगा लोगों को। और सरकार को इतने दिन में जांच पूरा हो जाना चाहिए। देखिए 3 दिन में मुझे ऑलरेडी मिला है आश्वासन सदन के अंदर, हमारे सांसदीय मंत्री जी खुद बोले हैं कि 3 दिन के अंदर इसमें हम लोग निर्णय लेंगे।
3 मार्च को बजट पेश होने वाला है। बजट पेश होने से पूर्व ही कई विधायक और मंत्रियों ने भी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी बजट को लेकर, आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। हालांकि आपको बता दें कि सदन के अंदर अंबा प्रसाद, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ देवघर बाबा धाम में हुई बदसलूकी का भी मामला सदन में गूंजता रहा। बहरहाल इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।